हेलो दोस्तों, अगर हम करेंसी की बात करें तो आज के टाइम पे एक यूएस डॉलर इक्वल 77 इंडियन रुपीस है, एक यूरो इक्वल 83 इंडियन रुपीस है, एक पाउंड इक्वल 98 इंडियन रुपीस है। वहीं पर एक कुवैती डिनार 250 इंडियन रुपी के बराबर है और एक कुवैती डिनार इक्वल 3 यूएस डॉलर के बराबर है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जितने भी पॉपुलर करेंसी है इन सभी में से कुवैती डिनार की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो आपको तो अब लग रहा होगा कि कुवैती डिनार की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब कुवैती डिनार दुनिया की मोस्ट पावरफुल करेंसी है। तो आप गलत समझ रहे हो। दुनिया की मोस्ट पावरफुल करेंसी कौन सी है ये जानने के पहले चले समझते हैं कि कुवैती डिनार की वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है। तो देखो, कुवैत एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है और तेल बेचकर इन्होंने बहुत पैसे छापे। आज के टाइम पे इनके पास इनकी कंट्री के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से कई गुना ज़्यादा पैसा है। इनके पास बहुत ज़्यादा मतलब फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन करेंसी पड़ा है, और ज़्यादातर जो फॉरेन करेंसी होती है, जो रिजर्व करेंसी होती है, वो यूएस डॉलर के फॉर्म में होती है। और कुवैत की सरकार इन्हीं फॉरेन करेंसी का यूज़ करती है अपनी खुद की करेंसी की वैल्यू बढ़ाने के लिए। मतलब कुवैत की सरकार अपनी जो खुद की करेंसी है कुवैती डिनार, उसकी सप्लाई मार्केट के अंदर कम से कम रखती है, उसके बदले उनके पास जो डॉलर की रिजर्व पड़ा है उसकी सप्लाई बढ़ा देती है। और ऑब्वियसली किसी भी चीज़ की अगर सप्लाई कम होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से वो लोग यूएस डॉलर का इस्तेमाल करके अपनी खुद की करेंसी की वैल्यू बढ़ा के रखती है। और इंडिया में भी आरबीआई काफ़ी बार रुपी की जो वैल्यू है उसे गिरने से बचाने के लिए मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ा देती है, जिससे रुपी और ना गिरे। दूसरी और एक वजह इनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ने के पीछे वो है इनकी पॉपुलेशन। कुवैत की पॉपुलेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से इनकी गवर्नमेंट को ज़्यादा नोट प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इनकी करेंसी की वैल्यू बनी रहती है। लेकिन जब पूरी दुनिया ऑयल के ऊपर से निर्भरशीलता कम कर देगी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जब पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड उतनी नहीं रहेगी, तब कुवैत के सरकार के पास आज जितना फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचेगा और तब शायद उनकी जो खुद की करेंसी है उसकी वैल्यू भी कम हो सकती है। और इसलिए जब तक पूरी दुनिया में तेल की डिमांड रहेगी, इनके पास फॉरेक्स रिजर्व आती रहेगी, फॉरेन करेंसी आती रहेगी, और इनकी जो खुद की करेंसी है उसकी वैल्यू भी बनी रहेगी। तो दोस्तों, वैल्यू के हिसाब से कुवैती डिनार के वैल्यू दूसरे करेंसी के मुकाबले सबसे ज़्यादा है, लेकिन आप इसे दुनिया की मोस्ट पावरफुल करेंसी नहीं कह सकते। आज के टाइम पे दुनिया की मोस्ट पावरफुल करेंसी है यूएस डॉलर, क्योंकि हर कंट्री अपने पास यूएस डॉलर की रिजर्व रखती है। इंटरनेशनल ट्रेड यूएस डॉलर के जरिए होती है। एक तरफ से यूएस डॉलर पूरी दुनिया में डोमिनेंस करती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज के टाइम पे यूएस अगर कुवैत के ऊपर सैंक्शन लगाती है, प्रतिबंध लगाती है, तो कुवैत की जो करेंसी है कुवैती डिनार, उसकी वैल्यू भी कम हो सकती है। तो भले ही आज के टाइम पे कुवैती डिनार दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी है, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, लेकिन दुनिया की मोस्ट पावरफुल एंड स्टेबल करेंसी है यूएस डॉलर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।